हेलो गाइस, मैं हूँ आकाश और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉर ब्राउज़र के बारे में। टॉर ब्राउज़र क्या होता है, इसको आप अपने सिस्टम में किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, और कौन इसको यूज करता है, और इसका यूज करने का क्या बेनिफिट है, और इसको आप किस तरह यूज कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना। उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, इससे कि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के टाइम पे जैसे जैसे इंटरनेट यूजर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी जो ऑनलाइन प्राइवेसी की जो चिंताएं हैं वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज के टाइम पे हमारा जो भी डेटा है, पर्सनल डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, वो सिक्योर नहीं है। ऐसी कई सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल है मार्केट में जो कि हमारी बिना परमिशन के हमारे जो पर्सनल डेटा को यूज करें, चाहे वो कॉन्टैक्ट हो, चाहे वो मैसेज हो, या कोई और इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो लोकेशन हो, तो इन सब पर्सनल इन्फॉर्मेशन का वो गलत यूज कर रही हैं। कुछ टारगेटिंग ऐड दिखाने के लिए करती हैं, कुछ हमारा जो डेटा है वो सेल करने के लिए, अलग अलग पर्पज़ से अलग अलग कंपनी हमारे डेटा का यूज कर रही हैं। तो ऐसे में अपने आप को सिक्योर रखना एक चैलेंजिंग टास्क बन गया है। अपनी प्राइवेसी को किस तरह सिक्योर रख सकते हैं, तो यहीं पर काम में आता है हमारा टॉर ब्राउज़र। टॉर ब्राउज़र का फुल फॉर्म होता है द अनियन रूट। ये भी एक नॉर्मल ब्राउज़र की तरह, जैसे गूगल क्रोम है, मोजिला है, इसी तरह ब्राउज़र की तरह। बट इस ब्राउज़र का मेन बेनिफिट क्या है, ये हमारी ऑनलाइन आइडेंटिटी को छुपा के रखता है, मतलब हमें अनोनमस रखता है। इस ब्राउज़र में हम जो भी सर्च करते हैं, जो भी वेबसाइट विजिट करते हैं, उनका जो रिकॉर्ड है वो ये ब्राउज़र नहीं रखता है, और कोई बंदा नहीं ट्रैक कर पाया कि हमने कौन सी वेबसाइट विजिट की, और कौन से टाइम में विजिट की, और कौन सी लोकेशन से विजिट की। ये जो ब्राउज़र है वो अनियन राउटिंग की टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो अनियन राउटिंग टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम जो भी सर्च करते हैं वो किस तरह हमें मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने गूगल पे सर्च किया व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो वो जो डेटा है वो गूगल के सर्वर पर जाएगा, जो हमने टाइप किया है कीवर्ड व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो वो जो कीवर्ड है सबसे पहले गूगल के सर्वर पर जाएगा, और गूगल का सर्वर देखेगा ये किस आईपी एड्रेस से हमें रिक्वेस्ट आई है। तो गूगल का सर्वर जिस आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट आई है, उस आईपी एड्रेस पे वो डेटा हमें सेंड कर देगा, और जैसे ही वो सेंड करेगा वैसे ही हमारा जो पेज है डिस्प्ले हो जाएगा, और कई सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर से रिलेटेड, जिसको हम रीड कर पाएंगे। तो इस तरह जो भी हम सर्च करते हैं वो काम करती है। तो मान लो हमने टॉर ब्राउज़र पे कुछ सर्च किया, वो जो रिक्वेस्ट होती है वो कई सारे टॉर सर्वर से होके जाती है। नॉर्मल केस में क्या हो रहा था, डायरेक्ट जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर के पास जा रही थी, गूगल के सर्वर के पास। जब हम टॉर ब्राउज़र में कुछ गूगल पे सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज कंप्यूटर, तो वो जो रिक्वेस्ट है वो डायरेक्टली सर्वर के पास नहीं जा रही है, वो कई सारे टॉर सर्वर्स होते हैं जिनसे होते हुए जाती है। तो जब वो रिक्वेस्ट कई सारे सर्वर से होते हुए जाती है, तो उसको ट्रैक करना काफ़ी हद तक इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इस तरह हम अपनी जो आइडेंटिटी है उसको छुपा के रख सकते हैं, ऑनलाइन अनोनमस रह सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो ब्राउज़र है वो हैकर्स वगैरह यूज करते हैं, क्रिमिनल्स वगैरह यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं है। इस ब्राउज़र को कोई भी यूज कर सकता है जो अपनी प्राइवेसी को लेकर ज़्यादा कंसर्न है, तो आप भी इस ब्राउज़र का आसानी से यूज कर सकते हैं। जो हैकर्स और क्रिमिनल्स वगैरह होते हैं वो इस ब्राउज़र को गलत कामों के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इस ब्राउज़र से हम अनोनमस हो जाते हैं, हमारी ऑनलाइन जो आइडेंटिफिकेशन है वो हाइड हो जाती है, तो इस वजह से जो हैकर्स है वो उसका गलत यूज करते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जो नॉर्मल ब्राउज़र में आप जो काम करते हैं वो नॉर्मल काम कीजिए, बस इस ब्राउज़र से आप अनोनमस हो जाएंगे, जो भी आप सर्च करेंगे वो किसी को नहीं पता चलेगा। चलिए अब देखते हैं इसको आप किस तरह अपने पीसी में डाउनलोड कर सकते हैं, और किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, और किस तरह इसको यूज कर सकते हैं। टॉर ब्राउज़र डाउनलोड करने के लिए गूगल पे आपको टाइप करना है सिंपली डाउनलोड टॉर, उसके बाद जो आपको फर्स्ट लिंक दिखेगा डाउनलोड टॉर प्रोजेक्ट, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही आपकी जो टॉर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं डिफेंड योरसेल्फ। तो उसके बाद यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिल जाते हैं, मतलब चार प्लेटफॉर्म पे आप इसको यूज कर सकते हैं, चाहे वो विंडोज हो, मैक ओएस हो, लाइनक्स हो, एंड्रॉयड हो, कोई सा भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं सब पे टॉर ब्राउज़र आप यूज कर सकते हैं। तो मेरे केस में यहाँ विंडोज़ है, तो मैं विंडोज़ के लिए इंस्टॉल करता हूँ, डाउनलोड करता हूँ। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे हमारी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो इंस्टॉलर वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे मैं इंग्लिश रहने देता हूँ, ओके। उसके बाद यहाँ से आप लोकेशन चूज कर सकते हैं कि किस लोकेशन पे आप जो टॉर है वो इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने ले लिया है सी यूजर सकासा डेस्कटॉप पे, मतलब ये जो टॉर ब्राउज़र वो डेस्कटॉप पे इंस्टॉल होगा।
तो मैं इसे डेस्कटॉप पर ही रहने देता हूँ और इंस्टॉल पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये इंस्टॉलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो ये आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। तो फाइनली हमारा टॉर ब्राउज़र वो इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद रन टॉर ब्राउज़र, इस पर आप चेक करेंगे तो हमारा जो ब्राउज़र है वो रन हो जाएगा। स्टार्ट, ऐड स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू पे ऐड करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, तो दोनों ही चेक रहने देना है और फिनिश कर देना है। फिनिश के बाद जैसे ही फिनिश करेंगे हमारा जो टॉर ब्राउज़र है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो टॉर ब्राउज़र है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं नीचे, कनेक्ट एंड कन्फिगर। तो अगर आप एक एडवांस यूज़र हैं और आप हाई सिक्योरिटी चाहते हैं आप, तो उस केस में आप कन्फिगर कर सकते हैं। बट यहाँ मेरे केस में मैं यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे ये जो कनेक्शन है टॉर नेटवर्क के साथ वो बनाना स्टार्ट कर देगा। कनेक्ट होने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने कुछ दिखाई देगा। टॉर ब्राउजर का यूज अ मास्क यूज टॉर। नीचे की साइड आप देख सकते हैं एक सर्च ऑप्शन दिख रहा है, सर्च विद डग डग को। डग डग को एक सर्च इंजन है गूगल की तरह। जैसे गूगल पे हम कुछ सर्च करते हैं वैसे डग डग को भी एक सर्च इंजन है। बट जो गूगल है वो हमारी सारी एक्टिविटी ट्रैक करता है, बट डग डग को आपकी कोई भी एक्टिविटी ट्रैक नहीं करता। इसी वजह से इसमें बाय डिफॉल्ट डग डग को सर्च इंजन दिया जाता है। तो वह यहाँ पे मैं कुछ सर्च करके देखता हूँ, जैसे कि रेडियंट आकाश। जैसे मैंने रेडियंट आकाश सर्च किया उससे रिलेटेड जो भी रिजल्ट्स थे वो सामने आ चुके हैं जस्ट लाइक गूगल। तो यहाँ पे मैं इमेजेस में जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के जो भी थंबनेल्स वगैरह हैं, फोटोज़ वगैरह, वो यहाँ पे आ चुके हैं। वीडियोस में जाता हूँ तो हमारी जो वीडियोस हैं चैनल की वो आ जाएंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे चैनल की जो भी वीडियोस थी वो सारी वीडियोस यहाँ आ चुकी हैं। तो जो काम आप नॉर्मल ब्राउजर में करते हैं वो सारे काम यहाँ कर सकते हैं। बट डिफरेंस बस यही है, यहाँ पे आपकी जो एक्टिविटीज हैं उनको ट्रैक नहीं किया जाता है, बट गूगल के केस में आपकी जो सारी एक्टिविटीज है वो ट्रैक की जाती हैं फॉर द पर्पज ऑफ एडवर्टाइजमेंट या फिर डेटा सेलिंग के लिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि टॉर ब्राउज़र क्या होता है, इसको इसको किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह यूज कर सकते हैं। वो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।